गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सब? तो आज एक हम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है द थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट। ठीक है जी, यहां से आपको 2 से 3 से 4 क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं, तो इस टॉपिक को आराम से ध्यान से पढ़ेंगे हम। ठीक है जी, और इसमें हम पार्ट वन के बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जितने भी पार्ट बनेंगे वो हम आराम से करेंगे। ठीक है जी, तो इसमें हम आज करने के वाले हैं वो भी देखते हैं। देखो, 6 डिफरेंट तरह की थ्योरीज हम पढ़ेंगे, क्लियर है? पहली बात तो ये ध्यान में रख लो कि कितनी थ्योरीज होती हैं, 6। अच्छा, अब इन 6 थ्योरीज को तो मैं एक सेशन में भी करवा सकता था, बट व्हाट आई फील, मुझे ऐसे लगता है कि सब कुछ एक सेशन में करवाने से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो नहीं बन पाती है टॉपिक्स को लेके, है ना? तो जिस वजह से फायदा नहीं है उसका कुछ। आपको जो मैं दिखाता हूँ वो तो आपको नोट्स जो है, क्वेश्चंस तो आपको वहीं से आएंगे, बट जो आपको क्या है अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए आपकी, वो मुझे लगता है उतनी नहीं बन पाती है। सो इसलिए मैं यह क्या कर रहा हूँ, छोटे छोटे सेशन ले रहा हूँ अब। ठीक है जी, ये जितने भी थ्योरीज हैं उनको 3 से 4 पार्ट में मैं कवर करूंगा, सो दैट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बने और आपको याद भी रहे और आपका एग्जाम भी निकल जाए। ठीक है, सो यही चीज। तो आज हम बात करेंगे सिंपल द वेब्स थ्योरी के बारे में। इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है आपका जो आज हम करेंगे। ठीक है जी, 8 से 10 मिनट का सेशन होगा, आराम से देखना, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, दैट इज वेब्स थ्योरी। देखो जी, पहला क्वेश्चन आपको बनता है कि किसने दी थी? द आंसर इज सिडनी एंड बीट्रिस वेब ने। ठीक है जी, सबसे पहली बार जो ट्रेड यूनियंस को डिफाइन किया था, डिस्कस किया था, उसके ऊपर एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव स्टडी की थी। एक्सटेंसिव का मतलब बहुत ज्यादा वाइडर लेवल के ऊपर, वाइडर लेवल में या ठीक है जी, ब्रॉड रेंज में, और इंटेंसिव मतलब अंदर तक डेप्थ स्टडी जो की थी वो की थी सिडनी एंड बीट्रिस वेब। ठीक है जी, और इन्होंने 2 किताबें लिखी थी जिनका नाम है द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म 1894 एंड द इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी 1897। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये। यहाँ से आपको बुक लिखी होगी इसका ईयर पूछ लेता है, ठीक है जी, या फिर आपको ये दोनों बुक्स लिखी होगी, पूछा होगा ये किसने लिखी थी, तो सिडनी एंड बीट्रिस वेब ने। और इन्हीं को ही बाइबल्स ऑफ द ट्रेड यूनियनिज्म भी कहा जाता है, दैट इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ आ गया, सिंपल है, अभी तक कोई टेंशन नहीं है। ठीक है जी, अब ये जो उनकी सेकंड बुक थी द इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, इस बुक्स मतलब बुक से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए एक इंसान जिसका नाम था लेनिन। ठीक है जी, वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, ठीक है, जो बुक थी, और उन्होंने इस बुक का जो ट्रांसलेशन था वो इंग्लिश से रशियन में किया था फिर। ठीक है जी, बहुत सिंपल है। तो यहाँ से 2 से 3 से 4 क्वेश्चन आपको बन सकते हैं कि किसने दी थी, बीट्रिस वेब ने दी थी। उन्होंने 2 बुक्स कौन सी लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म एंड द इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी 1897, और बाइबल्स ऑफ द ट्रेड यूनियनिज्म किसको कहा जाता है, इन्हीं 2 बुक्स को कहा जाता है। और लेनिन ने किस बुक को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश से रशियन में, वो थी इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। ठीक है जी, तो यही ही ऐसी बुक्स थी जो कि पहली बार लिखी गई थी, और इन्हीं बुक्स में सब कुछ लिखा गया था कि हाँ क्यों यूनियंस होती हैं, क्या ट्रेड यूनियंस होती हैं, क्या उनका पर्पस होता है, क्या उनका ऑब्जेक्टिव होता है, कौन से वो मेथड्स यूज करती है, ये सारी चीजें जो कि आज भी बहुत ज्यादा वैलिड हैं, यूज किए जाते हैं। ठीक है जी, सो इन्हीं बुक्स से कुछ 6 डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है जी, जो इन बुक से उठाए गए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो वन बाय वन हम इनको देखेंगे और इन्हीं से आपको क्वेश्चन बनेगा। ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने बात की है उनकी डेफिनेशन, ट्रेड यूनियन के डेफिनेशन की। ठीक है जी, सो क्या कहा उन्होंने कि ट्रेड यूनियन क्या होता है, उन्होंने बोला कि ट्रेड यूनियन इज अ कॉन्टिन्यूस एसोसिएशन। अब जो मैंने ये येलो किया है ना, ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन में, क्योंकि आपको क्या आता है क्वेश्चन में, आपको पूछ लिया जाएगा कि ये डेफिनेशन, एक तो डेफिनेशन लिखी होगी, पूछा होगा ये डेफिनेशन किसने दी, तो वेब्स ने दी। दूसरा क्वेश्चन आपको लिखा होगा कि एक्चुअली यहाँ पे हम 4 डिफरेंट डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं जो कि डिफरेंट 4 ऑथर्स ने दी थी। ठीक है जी, तो अब उन्होंने डिफरेंट जो ये 4 ऑथर्स है, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज किए हैं कुछ। ठीक है, क्या यूज किया है, कुछ वर्ड्स यूज किए हैं ट्रेड यूनियन को डिफाइन करने के लिए। तो पूछ लिया जाता है ये आपको, ये जो वर्ड्स यूज किए हैं वो ऐसे लिखे होंगे चारों, और यहाँ पे ऑथर्स के नाम लिखे होंगे, बोला होगा मैच करो ये किसने, कौन से ऑथर ने कौन सा वर्ड यूज किया ऐसे। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने कौन से कुछ वर्ड्स यूज किए थे। जैसे इन्होंने, मैं आपको बताता हूँ, अ ट्रेड यूनियन इज ए कॉन्टिन्यूस एसोसिएशन, उन्होंने बोला कि यह एक एसोसिएशन है ये, तो एक ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। किसकी एसोसिएशन है, वेज अर्नर्स की एसोसिएशन है। किस लिए है, फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग एंड इंप्रूविंग द कंडीशंस ऑफ देयर वर्किंग लाइफ्स। तो ये एक तीसरा वर्ड है कि अपनी जो वर्किंग लाइफ्स होती है वर्कर्स की, ठीक है, जिनको हम वेज अर्नर्स उन्होंने वर्ड यूज किया, तो उनकी एक कॉन्टिन्यूस एसोसिएशन के बोलते हैं ट्रेड यूनियन। समझ आ गया, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जहां से आपको इसके डेफिनेशन में
क्वेश्चन बनेगा। दूसरा पॉइंट बोला, उन्होंने बोला कि जो ट्रेड यूनियन है आर बॉर्न साइमल्टेनियसली विद कैपिटलिज्म। ठीक है, अब आपको कैपिटलिज्म क्या होता है, बहुत सिंपल सा है। देखो कैपिटलिज्म होता है जहां पे किसी भी कंट्री में जो बिजनेस होता है, जो इंडस्ट्री होती है, ठीक है जी, जो बिजनेस होता है या इंडस्ट्री होती है, उसका जो कंट्रोल होता है वो कुछ ही लोगों के पास होता है, फ्यू प्राइवेट ऑनरशिप वहां पे होती है। ठीक है जी, कुछ ही जो वेल्थी पीपल होंगे जिनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल होगी, वही उस पर्टिकुलर कंट्री का जो इंडस्ट्री है, बिजनेस है, उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। मतलब उसमें स्टेट के पास कोई कंट्रोल नहीं होगा, उस कंट्री जो गवर्नमेंट है मतलब उसके पास कोई कंट्रोल नहीं होगा, उसके बोलते हैं कैपिटलिज्म। ठीक है जी, तो उन्होंने बोला कि जैसे जैसे कैपिटलिज्म बढ़ता है वैसे वैसे ट्रेड यूनियनिज्म बढ़ता है, बट क्यों, इसका रीजन उन्होंने नहीं दिया। बट आज हम ये जरूर समझते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या है। इसके पीछे रीजन ये है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, उन्होंने ये रीजन नहीं दिया था, सिर्फ उन्होंने ये कहा था कि जहां पे कैपिटलिज्म होगा वहां पे ट्रेड यूनियनिज्म बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन ये है कि आप खुद समझो, जैसे जैसे कैपिटलिज्म बढ़ेगा तो वहां पे ऑटोक्रेसी आएगी। ठीक है जी, जो इम्प्लायर्स है, जो भी ये कैपिटलिस्ट है, ये अपनी मनमानी जो जो भी लेबर लेबर से उनको चाहिए पैसे वैसे काम करवाना स्टार्ट करेंगे, और जिस वजह से उनका एक्सप्लाइटेशन होगा लेबर का, ठीक है जी, वर्कर से एक्सप्लाइटेशन होगा, और उस एक्सप्लाइटेशन से बचने के लिए ये जो वर्कर्स हैं ये अपनी क्या बनाएंगे, एसोसिएशंस बनाएंगे, और इन्हीं एसोसिएशंस को हम आगे जाके क्या बोलेंगे कि ये ट्रेड यूनियंस हैं। ठीक है जी, सिंपल हो गया। तो अब तो उन्होंने बोला कि कैपिटलिज्म जैसे जैसे बढ़ता है ट्रेड यूनियनिज्म भी बढ़ता है, बिकॉज बिकॉज कैपिटलिज्म रिक्वायर्स द काइंड ऑफ लेबर। उन्होंने बोला कि कैपिटलिज्म कैसे लेबर चाहता है हु आर फ्री फ्रॉम बोथ ओइंग्स दी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। एक ऐसे लेबर चाहता है जिनके पास ना ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो, मतलब उनके पास ना ही इतना पैसा हो कि वो अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर पाए, एंड वो सेलिंग देयर लेबर पावर एज दे वॉन्ट, और वो अपनी लेबर जो है वो जितनी कॉस्ट में उनको चाहिए उतनी कॉस्ट में कैपिटलिस्ट को दे दे वो। ठीक है जी, तो उनके पास इतनी पावर भी नहीं होनी चाहिए, या मतलब जिस भी कॉस्ट के ऊपर उनको लेबर चाहिए उस कॉस्ट के ऊपर अपनी लेबर वो दे दे उनको, तो इसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। ठीक है जी, और अब एक और इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने साथ साथ में बोला कि ट्रेड यूनियनिज्म जो है वो कैन अकर बोथ अंडर कैपिटलिज्म, जिसमें कि प्राइवेट ऑनरशिप होती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, एंड सोशलिज्म जिसमें कि सोशल ऑनरशिप होती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की। तो उन्होंने बोला कि कैपिटलिज्म के साथ साथ सोशलिज्म मैं भी आपका ट्रेड यूनियनिज्म अक्कर करता है। ठीक है जी, सोशलिज्म अब आपको पता लग गया क्या होता है। ठीक है, जहां पे सोशल ऑनरशिप होती है मतलब डाइवर्स, मतलब वहां पे एक क्या बोल सकते हैं कि जो ऑनरशिप है ना वो डाइवर्स कर चुकी है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के पास। ठीक है, समझ आ गया। तो मतलब ट्रेड यूनियनिज्म दोनों जगह होती है, जहां पे कैपिटलिज्म होता है वहां पे भी, और जहां पे सोशलिज्म होता है वहां पे भी। ठीक है जी, अच्छा, क्योंकि इसके पीछे एक और रीजन है, मैं आपको बहुत ज्यादा चलो बता देता हूँ। देखो, अगर आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि इसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है कॉन्फ्लिक्ट और एक होता है कॉपरेशन, है ना जी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को रेगुलेट करने के लिए कुछ तो वॉलंटरली कॉपरेटली कुछ रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स बनाते हैं, जिसको कि हम नॉन स्टैचुटरी मेजर्स बोलते हैं, है ना, क्योंकि नॉन स्टैचुटरी मेजर ही वहां बनाए जाते हैं जहां पे कुछ वॉलंटरली किया जा रहा हो, और जहां पे कॉन्फ्लिक्ट होता है वहां पे ज्यादातर जो है वो स्टैचुटरी मीजर्स बनाए जाते हैं, जैसे आपके एक्ट्स वगैरह हो गए। ठीक है, ताकि वर्कर का एक्सप्लाइटेशन ना हो। तो ये जो आपके पास कैपिटलिस्ट सिस्टम है इससे बचने के लिए तो आप क्या बनाएंगे, स्टैचुटरी मेजर्स बनाएंगे, और ये जो आपका सोशलिज्म है ये आएगा आपके पास सेकंड वाली, जिसमें कि कॉपरेटली जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट को मेंटेन करेंगे, वो हारमोनी लाएंगे वहां पे। ठीक है जी, तो वहां पे ट्रेड यूनियन इसलिए बनाई जाएगी। तो ये थे दो रीजन। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, सिक्स डिफरेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने दो पढ़े, बाद में समअप करवा दूंगा मैं आपको, डोंट वरी। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या होता है ट्रेड यूनियन का, तो वो होता है डेलिबरेट रेगुलेशन ऑफ कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब कि उनको किसको, वर्कर्स को बचाना, किससे, एविल इफेक्ट्स ऑफ मैनुअल मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन, व्हाट सो एवर यू वांट टू से। ठीक है जी, तो उन्होंने बोला कि जो भी एविल इफेक्ट होते हैं इस मैनुअल क्या बोलते हैं, मैनुअल मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन से ड्यू टू इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिशन। अब इस लाइन को मुझे लगता है आप कंफ्यूज हो गए, बट कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सी बात है यार। जहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा वहां पे वो बहुत ज्यादा मैन्युअली प्रोडक्शन करवाने की कोशिश करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करवाने की कोशिश करेंगे, जिससे वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे, वो और कम वेजेस देने की कोशिश करेंगे ताकि उनको क्या हो, प्रॉफिट हो। तो उस उन एविल इफेक्ट्स को बचाने के लिए, उन एविल इफेक्ट से बचाने के लिए किसको, वर्कर्स को,
कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट करना, ये उनका बोलता है फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव होता है किसका, ट्रेड यूनियंस का, समझ आ गया। सो टू इन सच अ वे एज टू वार्ड ऑफ फ्रॉम द मैनुअल वर्किंग प्रोड्यूसर द एविल इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिशन, ये पूरी लाइन थी, ठीक है, जो कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं आपके पास फोर्थ पॉइंट की तरफ, या आगे आप पढ़ लेना है ना, ये सिंपल ही है, मेन जो था मैंने आपको बता दिया। अब फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव समझ आ गया कि कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट करना है, ठीक है। अब बोलते हैं द स्पेशल फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन इज इन द डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री इंडस्ट्री, जैसे मतलब उन्होंने बोला कि जो स्पेशल फंक्शन होता है क्या किसका, ट्रेड यूनियंस का, वो क्या होता है कि डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन लाना इंडस्ट्री में। अब डेमोक्रेटिक इंडस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि वहां पे जो डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, दोनों से होनी चाहिए, मतलब वर्कर से भी और एम्प्लॉयर से भी, सिंपल है। तो अब उन्होंने यहाँ पे बोला कि अगर तो आपको शॉर्ट टर्म में ये चीज करनी है, डेमोक्रेसी लानी है, तब तो आप क्या बना दो, ट्रेड यूनियंस बना दो, और अगर आपको लॉन्ग टर्म में क्या लानी है, डेमोक्रेसी लानी है, तो आपको फिर पॉलिटिकल पार्टीज का रुख करना पड़ेगा, ये उन्होंने बताया, ठीक है जी, पॉलिटिकल पार्टीज का आपको रुख करना पड़ेगा। अब मैं आपको यहाँ से एग्जांपल देता हूँ, जैसे आज आपकी कांग्रेस है, बीजेपी है, सीपीआई है, सीपीएम है, ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, ये स्टार्टिंग में क्या थी, यूनियंस तो थी, एसोसिएशन ही तो थी, ठीक है जी। तो स्टार्टिंग में एसोसिएशन ही थी, बाद में जाके ये पॉलिटिकल पार्टीज बनी टू हैव अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट फॉर द डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडस्ट्री, समझ आ गया। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं कि जिसके पास गवर्नमेंट, मतलब जिसमें कि गवर्नमेंट के पास कंट्रोल होगा फिर, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट के पास होगा, या फिर मतलब बहुत सारे डाइवर्स लोगों के पास होगा कंट्रोल, ठीक है जी, डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल के पास कंट्रोल होगा इंडस्ट्री का, समझ आ गया। तो स्पेशल फंक्शन क्या है, डेमोक्रेसी लाना, एक वर्ड में हम बोले, ठीक है जी। अब हमारे पास फिफ्थ पॉइंट, द लेबर ऑर्गेनाइजेशन यूटिलाइजेज द मेथड ऑफ म्यूचुअल इंश्योरेंस कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड द लीगल इनैक्टमेंट। लीगल इनैक्टमेंट को हम पॉलिटिकल एक्शन भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है जी, पॉलिटिकल एक्शन भी हम बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो ट्रेड यूनियंस है, वो कौन से तीन मेथड्स यूज करती हैं, म्यूचुअल इंश्योरेंस, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड द लीगल इनैक्टमेंट, ठीक है जी। एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज, बोलता है कि जो प्राइमरी ड्यूटी, इट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ट्रेड यूनियन इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट टू मेंटेन एंड प्रोग्रेसिवली रेज द नेशनल मिनिमम फॉर द एंटायर वेजर्निंग क्लास। मतलब बोलता है कि ये प्राइमरी ड्यूटी बनती है ट्रेड यूनियन की, कि वो जितने भी वेज अर्नर है पूरी कंट्री में, उनके नेशनल मिनिमम वेजेस को इंक्रीज करे। नेशनल वेज, मिनिमम वेज का मतलब है कि ऐसी लिविंग वेज जिससे कि कुछ वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सैनिटेशन, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लेजर और वेजेस जो है वो ले सके, उनको मिले इतनी, ठीक है, ताकि वो अपनी जिंदगी जो है आराम से जी सके। और साथ में वहां पे कुछ यूनिफॉर्म मिनिमम स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, जिससे कि वहां पे कुछ पार्शियलिटी ना हो, सभी वर्कर्स को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है जी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब यूनिफॉर्मिटी आए वहां पे, ठीक है जी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये ड्यूटी किसकी बनती है, मिनिमम नेशनल स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना, ये बनती है ट्रेड यूनियन की, ठीक है जी, समझ आ गया। ये छह पॉइंट्स थे, अब हम इनके करेंगे तीन क्रिटिसिज्म, दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेज सेशन, ठीक है जी। तो अब देखो मैं यहाँ पे आपको सम अप भी कर दूंगा सिक्स डिफरेंट पॉइंट्स को, ताकि आपको टेंशन ना हो। देखो पहला उन्होंने क्रिटिसिज्म क्या हुआ इस थ्योरी का, इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म ये हुआ, बोला कि इन्होंने कोई ज्यादा अटेंशन नहीं दी रिगार्डिंग फॉर दिस स्पेसिफिक फैक्टर एंड फोर्सेस कंट्रीब्यूट टू द एमर्जेंस ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म। मतलब कि कैसे ही हमारी जो ट्रेड यूनियंस हैं ये अमर्ज हुई, उसके पीछे क्या फैक्टर्स या फोर्सेस रही, उसके बारे में उन्होंने कुछ ज्यादा अटेंशन नहीं दी। देखो हमने, वेट अ मिनट, ओके, देखो हमने क्या कहा था, पहले पॉइंट में हमने बोला कि ट्रेड यूनियन क्या होती है, एक कंटीन्यूअस एसोसिएशन होती है किसकी, वेज अर्नर्स की, जो कि किस लिए थी, वर्किंग लाइफ्स को इम्प्रूव करने के लिए बनी है। दूसरे पॉइंट में हमने बोला, क्या बोला, हमने बोला कि जो ट्रेड यूनियन है ये कहाँ है पे बॉर्न करती है, या कहाँ इसका रेज होता है, ये बनती है जहाँ पे कैपिटलिज्म होता है और जहाँ पे सोशलिज्म होता है, ठीक है जी। बट क्यों होता है ये उन्होंने नहीं बताया, और यही यहाँ पे उन्होंने बात की कि क्या ऐसे फैक्टर और फोर्सेस हैं जिसकी वजह से ये ट्रेड यूनियन का इमरजेंस हुआ, इसके बारे में उन्होंने कोई फोकस नहीं किया। तो ठीक है जी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताया कि ऐसा क्यों हुआ, ये तो हम आज खुद अंडरस्टैंड करते हैं। तीसरा पॉइंट, उन्होंने बोला कि जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव होता है ट्रेड यूनियन का, वो होता है कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट करना, ठीक है जी, उनको एविल इफेक्ट से बचाना, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके, ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट, उन्होंने बोला कि जो स्पेशल फंक्शन होता है किसी भी ट्रेड यूनियन का, वो क्या होता है, डेमोक्रेसी लाना, ठीक है जी। ये चौथे पॉइंट में बात की। पांचवें पॉइंट में उन्होंने क्या बोला कि
जो आपके पास लेबर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो तीन मेथड्स यूज करती हैं, एक म्यूचुअल इंश्योरेंस, एक कलेक्टिव बार्गेनिंग, एक पॉलिटिकल एक्शन, ये जिसको हम लीगल इनेक्टमेंट भी बोलते हैं। ये पॉलिटिकल एक्शन पता क्या होता है कि पॉलिटिकल प्रेशर बनाना गवर्नमेंट के ऊपर रिगार्डिंग दी सॉरी जो लेबर लॉज है उनको बनाने के लिए, ठीक है ये है। और द सिक्स्थ पॉइंट बात की उन्होंने कि ये प्राइमरी ड्यूटी बनती है लेबर ट्रेड यूनियन की कि वो नेशनल मिनिमम वेजेस स्टैंडर्ड को इंक्रीज करे, ठीक है, एक वहां पे यूनिफॉर्मिटी लाए, वहां पे लिविंग वेजेस बनाए, इतनी लिविंग वेजेस होने चाहिए सो दैट कि उनको कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, सैनिटेशन, लेजर वेजेस मिलनी चाहिए। तो ये सिक्स डिफरेंट पॉइंट्स को बारे में हमने बात की जो कि अभी मैंने आपको समाप्त कर दिया। अब यहाँ से आप देखते चलेंगे खुद क्रिटिसिज्म, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे उन्होंने इमरजेंस के बारे में बात की हो। दूसरा, यहाँ पर कोई ऐसी भी स्पेसिफिक कंडीशन नहीं की उन्होंने जिसकी वजह से हमें पता लगे कि हाँ इस वजह से आपका ट्रेड यूनियन डेवलप कर रहा है, इस वजह से उसका जो ग्रोथ हो रही है, कहीं भी ऐसी बात नहीं हुई, ठीक है। उसके सिर्फ मतलब ऐसे लग रहा है हमें कि उसके सिर्फ ट्रेड यूनियन के उसने करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया है, ना कि उसके डेवलपमेंट, ना ही उसकी ग्रोथ के बारे में। एंड द थर्ड, उसने सिर्फ और सिर्फ अल्टीमेट गोल ऑफ द ट्रेड यूनियन क्या होता है वो उसने बोला कि डेमोक्रेसी होता है, डेमोक्रेटाइजेशन होता है, जबकि इसके अलावा भी आपको पता है ट्रेड यूनियन के बहुत सारे अदर गोल्स होते हैं, ठीक है, जो कि अदर साइंटिस्ट ने इस चीज के ऊपर फोकस किया था, बट इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बोला कि जो क्या होता है ट्रेड यूनियन का जो गोल होता है वो क्या होता है, डेमोक्रेसी, ठीक है जी। जबकि इसके अलावा भी बहुत सारे अदर रोल्स होते हैं, गोल्स होते हैं, पर्पस होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं ट्रेड यूनियन के, उसके बारे में उन्होंने कोई ज्यादा अटेंशन नहीं दी, तो इम्पेसाइज नहीं दिया। सो दीज आर दी थ्री डिफरेंट क्रिटिसिज्म, इंपॉर्टेंट हैं ये भी। तो ये हो गया आपका पहली थ्योरी, दैट इज बेब्स थ्योरी। तो समझ आया, लास्ट में आपको समअप हो गया, इजी हो गया, ठीक है जी। तो यही था आज का सेशन, और अब सेकेंड पार्ट के बारे में हम बात करेंगे अलग से, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच गाइस। और जाते जाते आपको एक शायरी दिमाग में आ गई एकदम से, तो सुना देते हैं ना। शायरी है कि ये क्या जाने में जाना है जाते हुए यूं खफा होकर, ये क्या जाने में जाना है जाते हुए यूं खफा होकर, मैं तब जानू, मैं तब जानू जब जाओ मेरे दिल से जुदा होकर। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू ऑल।